जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो है, ये मेरे उन भाइयों के बहनों के लिए, कईयों का ये पंगा चल रहा है कि हम पड़ोसियों से बहुत परेशान हैं। और आज के जीवन में आपको पता ही है पड़ोसियों से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पड़ोसी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि पड़ोसियों से अनबन चलती ही रहती है दोस्तों। तो ये वीडियो उनके लिए है। कोई बोल रहा हमारे ऊपर पुलिस केस है, कोई बोल रहा हमारे इलेक्शन के ऊपर पुलिस केस है, कोई बोल रहा हमारा ज़मीन की लड़ाई चल रही है घर में उस पर हमारा नाम आ रखा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमारे मतलब घर में कोई झगड़ा हुआ था उसमें हमारा पुलिस में नाम दे दिया, कोई कोरोना की वजह से पुलिस केस में फंस गया। तो दोस्तों ये मैं वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही घबराए हुए हैं कि सर हमारा फिर पुलिस वेरिफिकेशन में अगर हम फंस गए तो क्या होगा, या हमारी नौकरी में कोई आंच आ सकती है क्या। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा का पूरा इसी बारे में। साथ ही बता दूँ SSGD ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, इसके बारे में मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा के वीडियो बना रखा है कि उसमें क्या क्या चाहिए, और फाइनल मेट SSGD कब आने वाली इस पर वीडियो बना रखें, और फिजिकल सबसे हार्ड ट्रेनिंग है कौन सी होती है इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कस कोई पर्सनली मेरे से बात करना चाहे तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप आके बात कर सकते हो उधर। तो अब बात करते हैं इस पर कि जिनके ऐसे पुलिस केस हो रखे हैं उनका क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, कोई पड़ोसियों से परेशान है वो बोल रहा अभी भी हम पे केस कर देगा तो क्या होगा। तो दोस्तों बता दूँ केवल केस करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप पे कोई केस कर देता है इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि केस तो कोई भी कर सकता है। अगर आप जब तक कोर्ट से अपराधी घोषित नहीं होते हो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपकी ज़मीन का जो लफड़ा चल रहा है उसमें चल रहा है आपके माता पिता के या आपके जैसे चाचा चाची के उनके जो चल रहा है, तो अगर उसमें आपका बाय मिस्टेक या नाम लिखा देते हैं तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत लोग करते हैं नाम लिखा देते हैं, उसमें आप अपराधी नहीं माने जाओगे, वो झगड़ा चलता रहेगा। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा आप उससे दूर ही रहें ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई ऐसा चल रहा झगड़ा तो झगड़ों वगड़ों से आप थोड़ा सा दूरी ही मेंटेन करके रहें दोस्तों, क्योंकि अगर आप मान लो झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पे आप उपस्थित हो और उसी समय पुलिस ने आके आपको पकड़ लिया तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, तो ऐसा काम नहीं करना। लेकिन अगर आपका जैसे किसी पुलिस के एप्स में नाम चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपको अदालत से अपराधी घोषित या कोई भी पनिशमेंट या कोई भी इस प्रकार का मतलब पनिशमेंट या जैसे पैसों का पनिशमेंट आपके ऊपर नहीं लगता तब तक आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है। पड़ोसियों को पुलिस केस करने दो, आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सर्विस के दौरान भी होता है। कुछ लोग यहाँ फौजी बन के आ जाते हैं या सर्विस करते हैं, वो ड्यूटी पर रहते हैं तो ही पुलिस पीछे से पड़ोसी उसका नाम लिखा देते हैं, और छुट्टी पर जाता तब उसका नाम लिखा देते हैं, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। लिखाते हैं लोग, लिखाने दो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे पुलिस केस में आपका नाम है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अपराधित रूप पे आपको जेल अगर नहीं हुई है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जेल हो रखी है तो फिर तो आपको टेंशन ही टेंशन है। बाकी पुलिस केस में अगर नाम है तो चलने दो, नाम तो चलते ही रहते हैं, आपको पता है। अगर कोई अच्छा काम करता तो नाम तो चलता ही चलता है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया मेरे आई थिंक कि आपको अगर पुलिस केस में कहीं पे भी नाम है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कहीं पड़ोसी से इनसे झगड़ा है वो आपका नाम लिखा देते हैं ज़बरदस्ती, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको कोर्ट अपराधी घोषित करके पनिशमेंट नहीं देता तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन से आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपकी जॉब को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए।